नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, समीम स्वागत। बीती रात रैगांव से सिंहपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को उठाया था। मैं आपको बताऊं, उस व्यक्ति का नाम राजपति कुशवाहा, पिता बद्री कुशवाहा, उम्र 38 वर्ष, ग्राम नारायणपुर चौकी रैगांव का रहने वाला था। सिंहपुर पुलिस ने जब उसको उठाया, पूछताछ के दौरान उसके सर में गोली लग गई या उसको गोली मार दी पुलिस ने। उसको लेकर आज दिन भर जिस तरीके से वहाँ पर विवाद की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, उसको देखते हुए जबलपुर सहित तमाम जगह से पुलिस अमले को बुलाया गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है। सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा धरने पर बैठ गए। उनका साफ तौर से कहना है, जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनको हम वहाँ से उसकी बॉडी नहीं उठाएंगे, उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यही नहीं, वहाँ पर जिस तरीके से हालात थे, उसको देखते हुए स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर वो दृश्य भी दिखा रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस और वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हुई है। उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का भी एक ट्वीट आता है, ये कैसी पुलिस है, कैसी भाजपा की शिवराज की पुलिस है जिसने इस तरीके से निरीह लोगों को मार दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल एक्शन लिया और एसपी को रियाज इकबाल, उनको वहां से सतना से हटा दिया गया है। दोषियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। माना जा सकता है अब भी वहां पर स्थिति काफी तनावपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने जब सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक और सिपाही आशीष को निलंबित करके घटना के जांच के आदेश दिए थे, फिर भी स्थिति नहीं संभली। डीआईजी सहित तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उसके बाद भी स्थिति को काफ़ी वहां पर तनावपूर्ण थी। एसपी को हटा दिया गया है, दोषियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन स्थानीय विधायक, सतना के विधायक अड़े हुए हैं। 302 के मुकदमे के बाद ही वहाँ पर आगे की स्थिति संभालने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये नहीं होगा, हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेके हमारा इस धरने का जो मुख्य एजेंडा है, वो संबंधित थाने प्रभारी के ऊपर 302 का मुकदमा कायम करके उसकी गिरफ्तारी, उनके साथ जो उनकी पर्सनल गाड़ी में उनके ड्राइवर और उनके सहयोगी चलते थे, उन सब पर भी कार्रवाई हो, और परिजनों को उनके जीवन यापन के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए एक अच्छा मुआवजा और एक अच्छी नौकरी उन्हें उपलब्ध कराए सरकार। नहीं तो ये धरना, ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा, और यहाँ की जो प्रशासन की तानाशाही है, उसे पूरे प्रदेश में उसका पर्दाफाश किया जाए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।